मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या खटपट हो रहा है, ये क्या करता है ना, केंद्र सरकार को भेज देता है, कह देगा कि आप राज्य सरकार हैं, आप कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। तो ये पिछले 50 सालों से होते आ रहा है। तो हमारा संविधान दिखाने के लिए भले कहता है कि हम संघात्मक हैं, लेकिन पीठ पीछे जा दे सकती। देखिए, राज्यपाल के बहुत सारे काम हैं। अब इस काम को देखते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री के अंडर में ही काम करते हैं, लेकिन राज्यपाल को कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मुख्यमंत्री को टेंशन दे देते हैं। जैसे अगर विधानसभा या विधान परिषद कोई विधेयक पारित करके भेजती है, तो एक बार लौटाएंगे तो दोबारा भेज देगा, नहीं समझ आया तो दोबारा इनको पास करना पड़ेगा, या रोकेंगे तो जेबी वीटो लगा सकते हैं। ये क्या करता है ना, केंद्र सरकार को भेज देता है, क्योंकि कह देगा कि आप राज्य सरकार है ना, आपके पास कंप्लीट संप्रभुता तो है नहीं, आप कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं, आपका विधेयक हम भेज देते हैं केंद्र सरकार के पास जांच के लिए। भेज देगा जांच के लिए, 6 महीना वहीं अटक गया। हमेशा राज्यपाल और कभी कभी राज्य सरकार के बीच में ठनक जाता है। अक्सर देखेंगे दिल्ली में होता है। दिल्ली में देखिएगा ना, वहाँ के दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री में हमेशा कुछ ना कुछ हुए रहता है। तो भारत में राज्यपाल का पद एक बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो खुद भारत की पहली महिला राज्यपाल रही, उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल रही थी। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल को इतनी शक्तियां हैं जिसका कोई हद नहीं, लेकिन उसका पिजड़ा है, वो इस पिजड़े से बाहर नहीं जा सकता। 90% वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है और 10% वो केंद्र सरकार के। सारा सूचना केंद्र सरकार का किसको देता है? इतना समझ में आ गया ना। अब हम आगे देखते हैं, चलिए ध्यान से अब पूरा राज्य का व्यवस्था समझाते हैं। राज्यपाल समझ में आया ना, अब एक एक करके इनका काम समझते हैं। ये केंद्र सरकार यहाँ बैठी है, दिल्ली में केंद्र सरकार बैठी। केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार रख। अब यहाँ से मान के चलिए उड़ीसा में राज्यपाल है, तो राज्यपाल के कई कर्तव्य है। राज्यपाल मंत्री ये विधानमंडल का एक अंग है, जैसे लोक विधानसभा है, विधान परिषद, वैसी राज्यपाल। कोई भी बड़ा सुधार करने के लिए आपको प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। बिना राज्यपाल के साइन से प्रस्ताव जाएगा? मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या खटपट हो रहा है, यहाँ की सारी सूचना टुकुर टुकुर पहुंचा देता है कौन? राज्यपाल। ये बड़ा गड़बड़ है, यहाँ सरकार गिरने वाली है, तुरंत खबर कर देगा यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं? संविधान निर्माता यह सोच के राज्यपाल को पद बनाए थे कि वह राज्य की सूचना केंद्र को देगा, अर्थात संविधान बनाने वालों की नियति यही थी कि केंद्र के एक दूत के तौर पर, केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में यह काम करेगा। लेकिन वर्तमान समय में राज्यपाल, वर्तमान मतलब आज की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 50 सालों की बात कर रहे हैं। पिछले 50 सालों में राजनीतिक उथल-पुथल ऐसा हुआ कि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि न करके केंद्र में किस पार्टी की सरकार है उसका प्रतिनिधि कर रहा है। समझा गया? ये हम आपको ऐसा नहीं, क्योंकि आजकल मीडिया में ऐसा हो गया है ना, कुछ बोलिए तो लोगों को लगता है कि अरे 14 के बाद तो नहीं हुआ है क्योंकि मीडिया ने इस तरह से बोल दिया, ये लगता है 14 के बाद तो नहीं हुआ है यहाँ पर। तो ये पिछले 50 सालों से होते आ रहा है। तो पिछले 50 सालों में कई सरकारें आई हैं और कई सरकार गई हैं। तो राज्यपाल को ऐसा काम करना चाहिए कि जो देश हित में, यानी केंद्र के हित में है, केंद्र मतलब देश हित में है। बट अभी राज्यपाल ऐसा काम कर रहा है जो किस हित में जा रहा है, वहां केंद्र में कौन पार्टी है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने राज्यपाल हैं वो केंद्र में कौन सी सत्तारूढ़ पार्टी है उसी के हिसाब से आता है। क्योंकि राज्यपाल यहाँ कितने दिन रहेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति। अब सपोज कीजिए केंद्र में सरकार बदल गई, केंद्र में सरकार बदल गई, अब वो टारगेट लेगा 1 महीना का, 1 महीना में 2800 राज्य का राज्यपाल बदल देगा। अपना जान पहचान, कोनो पार्टी का कार्यकर्ता, कोनो पुराना आदमी, कोनो इनका आदमी, कोनो हाई, कोनो हारा हुआ विधायक, जीता हुआ विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व ये जितने राज्यपाल देखेंगे ना, उस पार्टी के कोई ना कोई पुराने कनेक्शन ही मिलेंगे। आप सबको पुराने वाले को हटा देगा और फिर धीरे 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 नया भर देगा। इसमें गलत भी तो नहीं है, ये तो संविधानिक ही है। तो राज्य सरकार हकीकत में होना क्या चाहिए, राज्यपाल को किस तरह से काम करना चाहिए? राष्ट्र केंद्र के हिसाब से। लेकिन वो सरकार काम कैसे करता? केंद्र में सत्तारूढ़ दल के हिसाब से काम करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि जरूरी है। अब ये बताइए, भारत को कहा जाता है कि भारत एक संघात्मक राज्य है। संघात्मक का मतलब होता है कि राज्य सरकार के पास छूट है अपना व्यवस्था बनाए रखने के लिए। क्या भारत 100% संघात्मक है? देखिए, अभी आप दो को धब्बा देख लिए। एक सीएजी, हम कितना खर्चा किए तुमको क्यों बताएं? हमारा अपना सीएजी होना चाहिए राज्य का। तो सीएजी संघात्मक के लिए अच्छा है? नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति देखिए, राज्य संघात्मक का मतलब होता है राज्य को अलग शक्ति, केंद्र को अलग शक्ति। लेकिन राज्य की अलग शक्ति देखिए, केंद्र को अलग शक्ति है, वह अपना राष्ट्रपति खुद चुनता है, लेकिन राज्य को
अलग शक्ति नहीं है, वो अपना राज्यपाल नहीं चुन सकता है, और चुना गया तो कब जाएगा उसको भी नहीं पता, नहीं समझ आया। हद देखिए, राज्य सरकार अगर कोई कानून बनाती है अपने विधानसभा अपने विधान परिषद में, तो तब तक वो कानून लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल साइन न कर दे। और राज्यपाल किसकी मर्जी से आया है? केंद्र के। तो हमारा संविधान दिखाने के लिए भले कहता है कि हम संघात्मक हैं, यानी केंद्र को भी शक्ति है राज्य को भी शक्ति है, लेकिन पीठ पीछे ज्यादा शक्ति केंद्र को, ज्यादा जहां राज्य उड़ेंगे केंद्र सरकार व्यवस्था कर देगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपातकाल की राज्य से पूछ के आता ही नहीं है, कहाँ आ जाता है? केंद्र से। तो बताइए, हम जब कभी एक ही व्यक्ति के पास सत्ता आ जाती है तो उसे कहते हैं एकात्मक सरकार, जैसे राजतंत्र एकात्मक होता है। तो हमारा संविधान मतलब संघात्मक है, लेकिन कहीं कहीं इसमें एकात्मक वाला गुण दिखता है। कहीं कहीं कौन सा गुण दिखता है? एकात्मक। हमारा संविधान कैसा है? संघात्मक, लेकिन कहीं कहीं क्या दिख जाता है? एकात्मक। जैसे आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां केंद्र, कहां गई दोनों की शक्ति? खत्म। जैसे नागरिकता के मामले में कानून बनाएगा केंद्र सरकार, संसद का गृह मंत्रालय, कैसा हो गया? एकात्मक। राज्य की कार्यपालिका पूरी तरह किसके अंडर में? राज्य की, केंद्र के अंडर में कहां थी? मुख्यमंत्री। राज्य की कार्यपालिका मुख्यमंत्री, कंप्लीटली किसके अंडर में? मुख्यमंत्री, याद रहेगा। औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से राज्यपाल के पास, समझ में आ गया। लेकिन वास्तविक रूप से राज्य की योजना का डिसाइड सीएम, मुहर लगाएगा राज्यपाल, कौन करेगा? अधिकारियों की मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग चाहेगा कौन? सीएम। साइन करेगा राज्य। मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएगा कौन? राज्यपाल, लेकिन किसकी मर्जी से? मुख्यमंत्री। किसी मंत्री को पद से हटाना है तो किसकी मर्जी चलेगी? सीएम। हटाएगा कौन? राज्यपाल। सेम काम जो राष्ट्रपति कर रहे थे ना, सेम काम कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे।